गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वी कंप्लीटेड टू टॉपिक्स इन दिस बैच. फर्स्ट वी कंप्लीटेड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. एज आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर ओनली दैट ऑन बोथ ऑफ दिस टॉपिक्स यू विल फाइंड अ कंपल्सरी क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी अटेम्प्ट ऑफ आईसीएआई. हर अटेम्प्ट में दोनों पे भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक टुडे विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स. Bills of exchange and promissory notes. Guys, in our day-to-day business, we come across two types of transactions: cash transactions and non-cash transactions. Cash transactions are those transactions which involve either cash receipt or cash payments. And non-cash transactions are those transactions where direct cash receipt or direct cash payment is not involved. But still those are transactions, so we refer them as non-cash transactions. Non-cash transactions mainly comprise of credit purchases and credit sales. Mainly, aisa nahi hai ki sirf credit sales and credit purchases hi non-cash transactions hai, aur bhi non-cash transactions hai. Jaise depreciation on fixed asset is non-cash transaction, or you make provision towards any liability, it is non-cash transaction. नॉन कैश एक्सपेंसेस को जो हम अकाउंट फॉर करते हैं, कोई प्रोविजन हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरडीडी की प्रोविजन हम बनाते हैं, तो वो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है. तो ऐसा नहीं है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, बट इन दिस टॉपिक आर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज रिलेटिंग टू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. आई मीन टू से क्रेडिट परचेसेस एंड क्रेडिट सेल्स. वी हैव कॉमनली सीन दैट इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बिजनेस वी कम अक्रॉस द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. Credit has become inevitable in this competitive world. इतना competitive हो चुका है business आज कि credit common feature हो चुका है. अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ cash basis पे ही business करूंगा, मुश्किल हो जाएगा. Retail में फिर भी cash basis पे चल जाएगा, retail counter है आपका, retail business है तो. But otherwise बड़े scale पे अगर आपको जाना है तो credit transactions are common. आप अगर क्रेडिट नहीं दोगे आपके कस्टमर को, तो कोई और है कंपटीशन में जो क्रेडिट दे रहा है. सो इट इज कॉमन दैट वी कम अक्रॉस द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. ये सिंपल रीजन इसके पीछे का ये है कि कंपटीशन ही इतना है कि हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में, कोई भी कहीं पे भी जाओ, मोनोपोली और सच किसी का है नहीं ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, वेयर देयर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स, एवरीबॉडी विल ट्राई टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. एंड क्रेडिट एक कॉमन पार्ट है. जैसे मैं मेरे सप्लायर से क्रेडिट एक्सपेक्ट करता हूं, वैसे मेरे कस्टमर्स मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे ना क्रेडिट. सो इट इज वेरी कॉमन दैट वी कम अक्रॉस द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. तो जब इतने कॉमन है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो जाहिर सी बात है कि सेटलमेंट इज नॉट डन इमीडिएटली व्हेन यू एंटर इनटू दैट ट्रांजैक्शन, इसलिए उनको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. अगर तुरंत सेटलमेंट हो रहा है तो फिर तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा. लाइक आई परचेज द गुड्स फॉर कैश, इट मींस आई परचेज एंड पेड द कैश, सो द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली. बट व्हेन आई से दैट आई परचेज द गुड्स ऑन 2 months क्रेडिट, इट मींस टुडे आई परचेज द गुड्स, आई गॉट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टुडे इटसेल्फ, बट आई एम गोइंग टू मेक पेमेंट फॉर दिस आफ्टर 2 months.
सो सेटलमेंट इज पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, सेटलमेंट फ्यूचर में कभी जितना डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट पीरियड उसका होगा, तो जाहिर सी बात है बेटा कि सेटलमेंट तुरंत नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होने वाला है और बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इनका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए ना सेटलमेंट के लिए. वी नीड सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टूवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ सच क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. अलग अलग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में इनका फ्यूचर सेटलमेंट का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट किया जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शंस का. जैसे लेट से यू आर सेलर, आई एम बायर, आई परचेज गुड्स फ्रॉम यू ऑन 2 months क्रेडिट. तो आपने गुड्स तो मेरे को आज दे दिए और मैं 2 महीने बाद आपको पे करने वाला हूं, क्यों? तो 2 महीने का क्रेडिट दिया तुमने मेरे को, तो 2 महीने बाद मैं पे करूंगा, इसका कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए ना. माना बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है वगैरह वगैरह, सब ठीक है, बट एट द सेम टाइम एविडेंस कुछ ना कुछ तो चाहिए डॉक्यूमेंट्री, एंड दैट इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल. ये वर्ड हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय नेगोशिएबल. द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इज ट्रांसफरेबल. सो व्हेन आई से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आई मीन टू से ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स. ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज ट्रांसफरेबल, राइट, नेगोशिएबल. इन इंडिया देर आर 3 कॉमनली यूज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अगेंस्ट द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, एंड दोस 3 कॉमनली यूज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स. चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स, दीज आर 3 कॉमनली यूज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया. उसमें भी ना बेटा 95% और इवन मोर देन दैट, 95% और मोर ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड थ्रू चेक्स. मोस्ट ऑफ दैट क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड थ्रू चेक्स ओनली. तो मेजोरिटी यूसेज चेक का है, बहुत कम यूज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स का, बट है. और वो कंसेप्ट अपने को इस टॉपिक में समझना है. Our focus is not going to be on checks in this topic. We are going to focus only and only on bills of exchange and promissory note. Check के बारे में आप क्या वैसे भी क्या बताएं? हम 11 standard में cash book जब सीखे तभी अपने को check का concept पता चल गया. Check मिला तो bank में receipt record करते हैं हम लोग. Check issue किया तो bank में payment record करते हैं. तो उसका अलग से कुछ सीखने जैसा है नहीं check का. तो check settlement all of you are aware about. सबको पता है कि check settlement क्या होता है. मतलब उसके लिए आप कॉमर्स में भी रहने की जरूरत नहीं, जिनका भी बैंक अकाउंट है उन सबको चेक क्या रहता है सबको पता है. बट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट ये शायद थ्योरेटिकली ही आप लोग समझे हुए हो अभी तक भी, प्रैक्टिकली अभी तक आप बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कहां हुए हो, अभी तक आपका एजुकेशन चालू है, आपके स्टडीज चालू है, जब आप रियल लाइफ में एंटर होगे तो ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे. इन पॉपुलर टर्म्स, इन मार्केट टर्म्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज हुंडी. हुंडी बोलते हैं, HUNDI, हुंडी. अगर आपके घर पे बिजनेस है तो आप आपके पेरेंट्स को पूछो कि सर बता रहे थे कि हुंडी, तो वो बताएंगे हाँ हुंडी रहता है, राइट. बिल ऑफ एक्सचेंज को ही हुंडी बोलते हैं. तो हम जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग कराते ना बैंक में जाके, वैसे वो हुंडी डिस्काउंटिंग कराते, मतलब ही बिल डिस्काउंटिंग कराते, राइट. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट को थोड़ा सा डिटेल में अपन इस टॉपिक में समझने वाले हैं. तो क्या बोला मैंने कि बेसिकली बिजनेस में वी कॉमनली कम अक्रॉस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एज अगेंस्ट दोस क्रेडिट ट्रांजेक्शंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ negotiable instruments, and in India there are 3 commonly used negotiable instruments, checks, bills of exchange
प्रॉमिसरी नोट्स। चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स। These negotiable instruments in India are governed under a law. And which is that law? Negotiable Instruments Act 1881. Negotiable Instruments Act 1881. This is the governing law for negotiable instruments in India. And as I told you, in this topic, my focus is going to be on bills of exchange and promissory notes, but mainly bills of exchange. The reason being, promissory notes के लिए जो accounting treatment है वो bills of exchange की ही accounting treatment है. अलग कुछ accounting treatment है नहीं promissory notes के लिए. For accounting purpose, promissory notes are treated as bills of exchange only. Promissory notes are rather called as bills receivable, bills payable only. अलग कुछ नहीं है उनके लिए. Accounting treatment remains same. Concept अलग है दोनों के. समझेंगे अपन क्या है distinction भी दोनों के बीच में. But main focus is going to be on bills of exchange. So bills of exchange is one of the negotiable instruments. And as right now we discussed, what do you mean by negotiable? Negotiable का मतलब क्या? Transferable. Transferable. Negotiable is transferable. Before we go into further details of bills of exchange, let us first talk about the definition of bills of exchange. Definition kya hai? Obviously, let's see the statutory definition given by Negotiable Instruments Act 1881. If I am not wrong, then this law, Negotiable Instruments Act 1881, is covered in your syllabus at CA Intermediate level. CA Intermediate में law subject में ये law है covered act. जैसे अभी अपन 5 act सीखते foundation level पे, वैसे inter में और आगे के laws है, including Companies Act. तो उसमें one of the laws is, as far as my knowledge is concerned, Negotiable Instruments Act. तो आप वो सीखोगे inter level पे. But अभी अपने को bill of exchange समझना है, तो let's see how it is defined under This act, bill of exchange का meaning क्या exactly? लिख लेते quickly, फिर discuss करते हैं उसके ऊपर. क्या definition दिया है? तो bill of exchange is an instrument in writing. Containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a person or
बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पहली बार जब सुनते लिखते तो बहुत लंबा छोड़ा बड़ा डेफिनेशन लगता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन पीसमील। पीसमील मीन्स इन पार्ट्स, पीसेस, पार्ट बाय पार्ट, समझो, एकदम बेसिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बहुत अच्छे से मीनिंग कन्वे भी होता है इस डेफिनेशन में से, भले ही थोड़ा सा लंबा है बट पूरा पूरा मीनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का क्लियर होता है। सबसे पहला पार्ट जो है डेफिनेशन का, इट सेज बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इट इज समथिंग इन राइटिंग। जो भी कुछ है ये बिल ऑफ एक्सचेंज नाम की चीज, जो भी कुछ रहेगी, वॉट एवर इट इज, अपन देखेंगे आगे क्या है, बट जो भी कुछ है इट शुड बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए। यू कैनॉट हैव बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ओरली। ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। डेफिनेशन का पहला पार्ट ही बोलता है इट शुड बी इन राइटिंग, कंपल्सरीली राइटिंग में चाहिए। यू कैनॉट हैव द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ओरली। सिर्फ ओरली किसी को बोल के बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं हो सकता। जो भी कुछ है बिल ऑफ एक्सचेंज दैट शुड बी इन रिटन फॉर्म, इन रिटन फॉर्म, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट आई मीन टू से इन राइटिंग, रिटन फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में ट्रू एंड फॉल्स आता है अपने पास आईसीआई के पेपर में, तो ट्रू एंड फॉल्स में दे सकते कि बिल ऑफ ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज अलाउड और ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन। आंसर इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड बिकॉज स्टैट्यूटरीली इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग वी कैनॉट हैव ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज एंड देयरफॉर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये पहला पार्ट याद रखना। तो जो भी कुछ है बिल ऑफ एक्सचेंज ये राइटिंग में होना चाहिए। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये सेकेंड पार्ट डेफिनेशन का। ये बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें एक ऑर्डर है। अब जो ऑर्डर है वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी कंडीशन, इट इज अनकंडीशनल। अभी जैसे 12th स्टैंडर्ड में अगर कॉमर्स में थे तो 5 मार्क के लिए इसका फॉर्मेट आता था एग्जाम में, तो आपने कई बार प्रैक्टिस के लिए बनाया रहेगा ना, राइट? अभी जब आपने प्रैक्टिस के लिए बनाया, एग्जाम में बनाया है, राइट? तो कभी भी ऐसे लिखा क्या बेटा आपने, 2 months आफ्टर द डेट इफ इट रेन्स पे टू मी और माई ऑर्डर। हैव यू एवर रिटन लाइक दिस, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो, ऐसा कभी लिखा था? या 45 डेज आफ्टर द डेट इफ यू गेट मैरिड पे टू मी और माई ऑर्डर, ऐसा कभी कुछ लिखा था? 1 month आफ्टर द डेट इफ यू मीट समवन स्पेशल पे टू मी और माई ऑर्डर, ऐसे कभी कुछ लिखा नहीं लिखा ना? क्यों नहीं लिखा? अलाउड ही नहीं है हमें। कंडीशन कैन नॉट बी पुट। द ऑर्डर टू बी गिवन थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन द ऑर्डर शुड बी गिवन। उसके बाद कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते आप। आप जानते हो कि एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल। जब ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करता है तो वो कंडीशनल हो सकता है, बट व्हेन द बिल इज ड्रॉन, व्हेन द ऑर्डर इज गिवन थ्रू बिल, इट कैनॉट बी विथ एनी कंडीशन, इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर। सो बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अभी क्या ऑर्डर है क्या नहीं देखते अपन। थर्ड पार्टी इज साइंड बाय द मेकर। द बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी साइंड बाय द मेकर। जो बना रहा है उसकी साइन चाहिए उसके ऊपर। ये तो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए वैलिड है, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ही नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो बना रहा है उसकी सिग्नेचर जरूरी है ना। बगैर उसके सिग्नेचर को उसको ऑथेंटिसिटी आएगी क्या? उसको लीगल वैल्यू आएगा क्या? टुडे मॉर्निंग 1st of September, इट इज अ फैंटेस्टिक न्यू मंथ, फर्स्ट डे आई गॉट अ लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट्स हाउस न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई गॉट अ रजिस्टर्ड पोस्ट टुडे मॉर्निंग वेलकमिंग टू द क्लास एंड व्हेन आई ओपन दैट एनवेलप इट वॉज रिटन कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर भंडारी यू हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न। सो आई हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न। Only thing is, president forgot to put his signature. Will it make any sense? ऐसे तो फिर मुझे नोबेल प्राइज भी मिल गया है। ऐसे तो दुनिया के जितने भारी सारे हैं ना, सारे सारे अवार्ड्स मेरे को मिल चुके हैं।
विल इट मेक एनी सेंस? अरे जो बना रहा उसकी सिग्नेचर चाहिए ना, राइट? तुमने किसी को लेटर लिखा, नीचे लिखना पड़ेगा ना तुम्हारा नाम। आई मीन टू से तुमने आईसीआई को लेटर लिखा, तुमको क्या लगा? आईसीआई कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, तुमने आईसीआई को प्रेम पत्र लिखा, राइट? अगले 5 साल से जब तक सीए नहीं बनता तब तक आईसीआई अपना वैलेंटाइन होता है, उसी के साथ घूमना पड़ता है अपने को, राइट ना? दूसरे फॉर्म मत देखो अभी। पॉइंट इज व्हेनेवर यू फिल एनी फॉर्म, व्हेनेवर यू प्रिपेयर एनी डॉक्यूमेंट, उसको ऑथेंटिसिटी तभी आएगी जब तुम तुम्हारा सिग्नेचर करोगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट एक्सेप्शन टू दैट। जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो रहा है तो वन हु इज ड्रॉइंग इट हैज टू साइन इट, सो साइंड बाय द मेकर। ये जो ऑर्डर देने की बात हुई है, ऑर्डर इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, किसको दिया जा रहा ऑर्डर? डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, किसी स्पेसिफिक इंसान को वो ऑर्डर दिया जा रहा है। दिस ऑर्डर इज गिवन टू अ स्पेसिफिक सर्टन पर्सन, जनरल नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता बिल ऑफ एक्सचेंज, 2 months आफ्टर द डेट ऑल हु आर सिटिंग इन द क्लासरूम पे टू मी और माई ऑर्डर। अब ये जनरलाइज हो गया, ऑल सिटिंग इन द क्लासरूम बोलते कौन? अब उसमें हो सकता है काका भी बैठे हुए रहेंगे अपने, हो सकता है शिवा भैया भी बैठे हुए रहेंगे ऑफिस के, हो सकता है नवनाथ आके बैठा है, हो सकता है विनोद सर बैठे, कोई भी हो सकता ना। ऐसे जैसे जो ऑर्डर दी जा रही है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, इट हैज टू बी टू अ सर्टन पर्सन, स्पेसिफिक इंसान को वो एड्रेस किया हुआ रहना चाहिए। इट कैनॉट बी इन जनरल, न तो पब्लिक सामने बैठी है 2 months आफ्टर द डेट ईच वन ऑफ यू पे टू मी, ईच वन ऑफ यू बोल तो कौन? स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ना, राइट? सो द ऑर्डर इज गिवन टू अ सर्टन पर्सन। क्या ऑर्डर दिया जा रहा है? ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं, बट व्हाट ऑर्डर इज गिवन? टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। जो ऑर्डर है वो बोलता है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, मतलब द अमाउंट इज सर्टन, स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के लिए बोला जाएगा। Have you ever seen a bill of exchange drawn like this? 2 months after the date, pay to me or my order, whichever sum I'll ask at that time. उस टाइम पे मैं जितना अमाउंट बोलूंगा उतना पे करना। ऐसे बिल ड्रॉ हो सकता? और ऐसा बिल ड्रॉ किया तो तुम एक्सेप्ट करोगे? कैसे, क्या पॉसिबल है ऐसे? तुमको बताना पड़ेगा ना कि कितने रुपए देने हैं। सो ऑब्वियसली द ऑर्डर इज टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, टू पे ये तो ऑर्डर है ही, बट कितना तो वो सर्टन होना चाहिए, द अमाउंट शुड बी सर्टन। वो हम वेग नहीं रख सकते, वो हम ब्लैंक नहीं रख सकते, फिक्स्ड अमाउंट जो भी है स्पेसिफिक अमाउंट का ही विड्रॉ होगा। अच्छा, ये अमाउंट किसको पे होगा? टू हुम इट विल बी पेएबल? उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज है बेटा डेफिनेशन में। ओनली टू और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, किसी स्पेसिफिक इंसान को या वो जिसको बोलेगा उसको अमाउंट विल बी पेएबल। द अमाउंट ऑफ द बिल विल बी पे, ऑर्डर क्या दे रहे हैं? टू पे सर्टन अमाउंट, किसको? टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर। और हिज ऑर्डर का मतलब वो जिसको बोलेगा उसको, किसी स्पेसिफिक इंसान को या तो वो जिसको बोलेगा उसको। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट, और टू दी बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बेयरर को भी पे हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट। इट कैन बी मेड पेएबल टू द बेयरर ऑल्सो। बेयरर मतलब वन हु होल्ड्स, वन हु होल्ड्स, दैट पर्सन बिकम्स बेयरर, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल से कि ये मेरे हाथ में है, ये मैंने इसको दे दिया, तो ही विल बिकम बेयरर। उसने उसको दे दिया, जिसके पास जाएगा वो बेयरर हो जाएगा ना। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने सबसे पहले बताया कि इट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, सो इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जिसके पास भी ये बिल वैलिडली लॉफुली लीगली जाएगा, दैट पर्सन विल बिकम बेरर। तो बेरर को भी अमाउंट पेएबल हो सकती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। सो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन बेरर। तो गाइज बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स है, बट इसको लेके ना ऑब्जेक्टिव्स में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज इज परमिटेड, इज अलाउड, इट इज ट्रू। इन ट्रू एंड फॉल्स इट इज ट्रू। ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज परमिटेड, फॉल्स। सो अ बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज इज पॉसिबल,
oral bill of exchange is not possible. So amount of bill is payable to whom? To a certain person or his order or bearer of the instrument. तो अभी देखो ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने हैं, एक एक चीज हमने डिस्कस की। चलो फटाफट ये डेफिनेशन को समराइज करके कंक्लूड करते पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट, इट शुड बी इन राइटिंग। इट कंटेन्स एन ऑर्डर विच शुड बी अनकंडीशनल, नो कंडीशन शुड बी अटैच्ड। नंबर थ्री, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। नंबर फोर, इट इज डायरेक्टेड टू अ सर्टन पर्सन, द ऑर्डर इज गिवन टू अ सर्टन पर्सन। व्हाट ऑर्डर इज गिवन? टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, टू हूम? आइदर टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर और इवन बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो दैट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ exchange. So bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or bearer of the instrument. Is this clear? Yes, sir. तो credit transaction के against में ये draw किया जाता है, credit transaction के against में। अब let's say X sold goods worth rupees 10,000 to Y on 2 months credit. X sold goods worth rupees 10,000 to Y on 2 months credit. Now in this example, who is X? गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। मैंने कहाँ बोला bill of exchange draw हुआ है बोल के? कहाँ से आपने drawer निकाला? मैंने बोला bill of exchange draw हुआ है, मैंने लिखा कहीं bill of exchange, फिर मैं से बोला कि credit transaction हुआ है, तो X कौन है? Y कौन है? और बेटा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो सेटलमेंट हुआ है क्या इसका? नहीं हुआ। तो फिर अब ये डेटर क्रेडिटर भी हो गए ना। एक्स विल बी, वाई विल बी डेटर। तो दो पार्टीज है तुम्हारे सामने अभी क्रेडिट सेल में, एक है सेलर एक है बायर। जो सेलर है वो क्रेडिटर है, जो बायर है वो डेटर है। क्यों? तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर ये कैश ट्रांजेक्शन रहता तो सेलर बायर तो रहते, बट क्रेडिट और डेटर होते क्या? नहीं होते, क्योंकि तो इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है। और यहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो इमीडिएट सेटलमेंट नहीं हुआ है, और इमीडिएट सेटलमेंट नहीं हुआ है तो वो क्रेडिटर डेटर बन गए। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो सकता है बोल के बोला हमने। वी सेड बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इस क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी ड्रॉन अगेंस्ट दिस क्रेडिट ट्रांजेक्शन। Only thing is now you have to take the meaning given in the definition. वो तुमको दिमाग में रखते हुए समझना पड़ेगा। दो parties तुम्हारे सामने हैं, एक है seller, एक है buyer, एक है creditor, दूसरा debtor, and नाम देखे तो X and Y। अभी bill of exchange draw करना है। अभी हमने definition में ऊपर समझा 2 मिनट पहले that it contains an unconditional order. There is an unconditional order. Guys, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप समझ जाओगे। हु इज इन अ पोजिशन इन दिस टू पार्टीज टू गिव द ऑर्डर? ऑर्डर देने की पोजिशन में कौन है? एक्स है, ही इज सेलर, उसको पैसा आना है। तो जिसको पैसा आना वही कमांडिंग पोजिशन में है ना। तो हु कैन गिव द ऑर्डर हियर? एक्स कैन गिव द ऑर्डर। कैन वाई गिव द ऑर्डर? वाई का एक ऑर्डर देगा। वाई ने क्रेडिट पे कुछ परचेस किए, उसने पैसा देना है, वो कहां से ऑर्डर देगा? तो ऑर्डर कौन देगा? X देगा। तो who can draw a bill? X can draw a bill on Y. तो necessarily, compulsorily, in our example, a bill of exchange will be drawn by X on Y.
सो बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल टेल मी हु कैन ड्रॉ अ बिल. एक्स मीन्स सेलर और टू बी मोर स्पेसिफिक क्रेडिटर. ओनली अ क्रेडिटर कैन ड्रॉ अ बिल. ऑन हुम इट इज ड्रॉन. वाई मीन्स डेटर. सो अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज टेक्निकली ड्रॉवर. अब ड्रॉवर आया पिक्चर में. अ पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिसको ऑर्डर दी जाती है टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ही इज कॉल्ड एज ड्रॉई. सो इन आर एग्जाम्पल एक्स इज ड्रॉवर, वाई इज ड्रॉई, बिकॉज एक्स इज ड्रॉइंग अ बिल ऑन वाई. वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई? गाइज, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई इज नेसेसरीली दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर. उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप इज क्रेडिटर एंड डेटर. आईसीआई ना बहुत ट्विस्ट और गुगली लाता है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको देंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर. अभी मैं आपको बोलता हूं क्या होता है. ये अभी तो मैं समझा रहा हूं, अभी तुरंत अभी अपन ये ले रहे बोल के तुम अभी बराबर आंसर दो भी दोगे. वो तीन घंटे के एग्जाम के प्रेशर में, एग्जाम हॉल में जब अपन बैठे हुए रहते ना, अपन पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, एक तो क्या है स्पीड रहता है, वो एक मोमेंटम अलग ही रहता है एग्जाम का. द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर. हाँ, डेटर क्रेडिटर रहते, क्रेडिट सेल याद आएगा, सुशील सर ने ये ऐसे 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 बोला था. हाँ, ट्रू. एंड देन वी से पेपर वॉज ऑसम सर, मस्त गए एकदम सर, भारी एकदम मस्त गया सर, 80+ तो आएंगे. फिर एग्जाम के दिन चेहरा देखने जैसा रहता, रिजल्ट वाले दिन चेहरा देखने जैसा रहता फिर. क्यों? तो क्या होता है ना, हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होते रहती, राइट. बहुत केयरफुली पढ़ना जरूरी है, प्रोफेशनल एग्जाम है. अभी भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने वापस रिपीट करता, मेरा सेंटेंस क्या था? मेरा सेंटेंस था द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर. इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वाई इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? द रीजन में मैंने बोला रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई, तो इट इज नॉट डेटर क्रेडिटर, इट इज क्रेडिटर एंड डेटर. एग्जैक्टली. बट है देखने गया तो बहुत माइनर माइन्यूट पॉइंट है छोटा सा, बट वो अगर इग्नोर हो गया एग्जाम में तो क्या गड़बड़ हो जाती. आप बोलोगे सर डेटर एंड क्रेडिटर एंड क्रेडिटर एंड डेटर में क्या फर्क है? और फर्क है, जब तुम डेटर क्रेडिटर बोलोगे करेक्ट है, तो उस केस में यू आर सेइंग ड्रॉवर इज डेटर. वो तो किसने ड्रॉ किया अपने एग्जांपल में बिल? वाई ने. करेक्ट है क्या? नहीं. तो इसलिए बी केयरफुल. द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई इज दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर. कहते पक्का? सो वन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज ड्रॉई. And the relationship between these two is that of creditor and debtor. Any problem? ये लिखा क्या सबने? फटाफट लिखो, फटाफट मेरे साथ में लिखा करो. मैं बोला था आपको उस दिन भी, मेरे साथ में लिखो, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास इस बैच में. और इसके नीचे लिखो द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई The
ड्रॉवर एंड ड्रॉई इज दैट ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर फुल स्टॉप नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन द थर्ड पार्टी the third party to the bill of exchange is P-A-Y-E-E is P full stop P means a person P means a person to whom the amount of bill is payable. To whom the amount of bill is payable. Full stop. It is important to note that it is important to note that the drawer and the payee may or may not be the same person. The drawer and the payee may or may not be the same person. लिखा तो जो ड्रॉवर एंड पे है बेटा जरूरी नहीं है कि वो सेम रह भी सकते नहीं भी रह सकते. मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया तो हो सकता है कि मैं आपको बोलूंगा कि ड्यू डेट के दिन बिल का अमाउंट मेरे को ही पे करो. तो अगर अमाउंट ऑफ द बिल इज पेएबल टू ड्रॉवर हिमसेल्फ देन ड्रॉवर हिमसेल्फ विल बिकम पे देन द ड्रॉवर एंड पे विल बी सेम. बट हमने डेफिनेशन में ऊपर देखा किसको किसको पेएबल हो सकता है बिल टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर और बेरर. तो बेरर को भी पेएबल हो सकता है या मैं जिसको बोलूंगा अगर मैं ड्रावर हूं तो उसको भी पेएबल हो सकता है. बराबर ना. मैंने बोला कि बिल का अमाउंट मनी को पे करो तो अब कौन हो जाएगा इसमें पे कौन हो जाएगा मनी हो जाएगा राइट. तो अब उस केस में ड्रावर एंड पे विल बी डिफरेंट दे विल बी डिफरेंट पर्सन. और अगर मेरे को ही पेएबल है तो बोथ विल बी सेम. So drawer and payee may or may not be same persons. And therefore, अगर question पूछा that there are how many parties to bill of exchange, answer should be three parties. Drawer, drawee, payee. Drawer is a person who draws the bill. Drawee is a person on whom the bill is drawn. Payee is a person to whom amount of bill is payable. I hope it is clear. कोई डाउट है पक्का. और एक पॉइंट है छोटा सा पॉइंट है वैसे मालूम रहेगा अपन रिवीजन बैच में बैठे हुए बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. बेटा क्या लगता है तुमको बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल ये दो अलग अलग बिल रहते क्या? आंसर इज नो. बेटा बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल ये कोई दो अलग अलग बिल नहीं रहते. बिल ऑफ एक्सचेंज एक ही रहता उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बुक्स में अलग अलग होती है. जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है तो ड्रॉवर के लिए उस बिल के अगेंस्ट में अमाउंट इज रिसीवेबल सो फॉर हिम दैट बिकम्स एन एसेट
एंड बीइंग एसेट ही कॉल्स इट एज बिल्स रिसीवेबल. वही बिल, सेम बिल, वही बिल. ड्रॉई के बुक्स में जब अकाउंटिंग होगा तो ड्रॉई के लिए द अमाउंट इज पेएबल. सो फॉर ड्रॉई इट इज अ लायबिलिटी एंड बीइंग लायबिलिटी ही कॉल्स इट एज बिल्स पेएबल. तो मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया समझो, आई हैव ड्रॉन अ बिल ऑन यू. तो बिल तो एक ही होता है जो ड्रॉ किया वो. मेरे बुक्स में उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्यों तो मुझे अमाउंट रिसीवेबल है, मेरे लिए वो एसेट है. आपके बुक्स में वही ऐसे वही बिल लायबिलिटी है, क्यों तो आपको अमाउंट इज पेएबल, यू विल कॉल इट एज बिल्स पेएबल. तो मेरे बुक्स में इट विल बी कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल, आपके बुक्स में इट विल बी कॉल्ड एज बिल्स पेएबल. तो बिल तो सेम ही होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई. एनी प्रॉब्लम? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल इज कंपल्सरी. Without acceptance, the bill won't be a bill. When drawer draws a bill, it is just called as a draft. And the draft is sent by the drawer to the drawee. Drawee will go through the draft. Drawee pura draft check karega ki barabar likha hai na, kitne amount ka bill hai, sign barabar kiya hai kya, jo credit period likha hai wo barabar hai kya. Ye sari cheeze drawee check karega. And if drawee is confident ki yes sab likha hua barabar hai, then he writes on the bill accepted. And when he accepts the bill, it becomes a bill. The draft becomes the bill. So before acceptance of the bill is not a bill, it is just called as a draft. So when drawer sends, it is a draft. When drawer accepts, it becomes a bill. Likho next line. A bill of exchange, next line पे लिखो, a bill of exchange before its acceptance it's called as a draft. It's called as a draft. Such a draft is sent by the drawer to the drawee. Such a draft is sent by the drawer to the drawee and when drawee accepts such a draft comma it becomes the bill. In other words, For a bill of exchange, for a bill of exchange, comma, its acceptance by the drawee is must. Full stop. Without acceptance ke bill nahi ho sakta. Compulsorily accept hona hi padega. Next,
इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी कम अक्रॉस इन बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल What do you mean by due date or maturity date of bill? The date on which amount of bill is payable by the drawee to the payee. By the drawee to the payee. जिस दिन अमाउंट पेएबल रहेगा उसको ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट बोलते हैं. अब अपने को इसके रिलेटेड भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स है, छोटे छोटे से पॉइंट्स है बेटा, बट ऑब्जेक्टिव में ना ये टॉपिक पे वैसे देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि हर बार कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा ही 5 मार्क 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन हर बार इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं. ऑब्जेक्टिव्स में ना कैसे भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, तो भले वो माइनर पॉइंट्स है, छोटे छोटे से पॉइंट्स है, बट वो दो दो मार्क भी बड़े मायने रखते हैं. क्या है ना, पार्टनरशिप के 20 मार्क के क्वेश्चन में 20 में से 20 आएंगे क्या पता नहीं, 20 में से 10 भी आएंगे क्या कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स का 2 मार्क का है तो 2 में से 2 मिलने की कॉन्फिडेंस रहता है ना. और कभी भी देखो प्रोफेशनल एग्जाम या सीए जैसे एग्जाम का सक्सेस कहां पे छुपा हुआ है, तो हाउ यू अपीयर फॉर द एग्जाम, यू हैव टू गो ऑन कलेक्टिंग द मार्क्स. तुमको मार्क्स कलेक्ट करते जाना है, राइट, बटोरते जाना है मार्क्स को. तुम अगर बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो सिंपल है 2 मार्क का तो रहता ट्रू एंड फॉल्स, भाई वो 2 मार्क ही इंपॉर्टेंट रहते, क्योंकि तो उसमें 2 में से 2 मिलने का तुमको गारंटी रहता. 20 मार्क के क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं तुमको कितने मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारा करेक्ट भी आएगा, टैली भी होगा, नहीं होगा, यू नेवर नो, राइट. तो अब एवरेज ड्यू डेट जैसा टॉपिक है, एकदम बच्चे बोलते हैं सिंपल टॉपिक है सर, अरे सिंपल नहीं भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्यों, तो भले ही 5 मार्क के लिए आता है बट 5 में से 5 की गारंटी है उधर, बाकी टॉपिक में गारंटी है क्या? एनपीओ का क्वेश्चन आया है गारंटी पूरे मिलेंगे? तो अपने को तो पहले तो अपना यार एक पर्टिकुलर स्कोर फिक्स करना है ना, 50 का मिनिमम स्कोर तो चाहिए चाहिए. अकाउंट्स में अगर 50 नहीं आ रहे तो फिर पास होने का बहुत प्रॉब्लम है. अकाउंट्स में तुम 40 का टारगेट रख भी नहीं सकते, यू कांट कीप अ टारगेट ऑफ 40 इन अकाउंट्स. अकाउंट्स में तो तुमको मिनिमम 50 तो चाहिए ही चाहिए. और मैं आगे की भी एंगल से बोल रहा हूँ, इंटर फाइनल के भी, अगर अकाउंट्स का बेस अगर कच्चा रह गया और उसमें अगर तुम 50 भी नहीं ला पा रहे हो, फिर आगे इंटर और फाइनल में तो और प्रॉब्लम हो जाएगा. तो मिनिमम 50 तो यहाँ पे चाहिए, मिनिमम. डजंट मीन मैं बोल रहा हूँ 50 लाओ, पहले ही दिन बोल दिया मैंने ये बैच सिंसियरली करो, 60+ तो पक्के आएंगे. ये बैच सिंसियरली करो, लास्ट डे तक मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करो, 60+ पक्का आएंगे, पक्का, ज्यादा चाहेंगे फिर भी 60+ बोल रहा हूँ एवरेज बेसिस पे, राइट. तो मार्क्स को कलेक्ट करते जाना है अपने को. तो ट्रू एंड फॉल्स 2 मार्क के लिए आता नहीं, इग्नोर करो, ऐसे नहीं होता भाई, वो कंफर्म मार्क्स है, वो अपने को मिलने वाले हैं, तो उस पर भी फोकस करना ही पड़ेगा. तो अभी ये ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट को लेके बहुत सारे छोटे 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 से पॉइंट्स है जो अभी मैं तुमको बताऊंगा, तो सारे पॉइंट्स दिमाग में रखना. एक काम करता हूं, मैं आपको सारे समराइज्ड फॉर्म में लिखा के देता हूं, तो तुम इकट्ठा पूरे पढ़ भी सकते हो रिवीजन बोल के एग्जाम के पहले, ठीक है ना. लिखो, ड्यू डेट ऑब्लिक मैच्योरिटी डेट, इसके अंडर लिखो ड्यू डेट ऑब्लिक मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बिल मींस the date on which amount of bill is payable by the drawee to the payee. Mathematically, it is calculated as under. Mathematically, it is calculated as under.
लिख लो, डेट ऑफ ड्रॉवल अब्लिक डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ ड्रॉवल अब्लिक डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टेन्यूअर अब्लिक पीरियड ऑफ द बिल प्लस थ्री ग्रेस डेज। लिख दिए? यस। व्हाट डू यू मीन बाय डेट ऑफ ड्रॉवल? डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसको डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ ड्रॉवल बोलते हैं। डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ ड्रॉवल वन एंड द सेम। तो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ वो डेट ऑफ ड्रॉवल। अब बिल जिस दिन ड्रॉ हुआ जरूरी है सेम डे एक्सेप्ट होगा ही हर बार? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है सेम डे भी एक्सेप्ट हो जाए, अगर ड्रॉवर ड्रॉई सेम प्लेस पे है, तुरंत ड्रॉवर ने ड्राफ्ट दे दिया ड्रॉई को, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, पॉसिबल है सेम डे पे भी। बट जरूरी है क्या वैसे ही होगा? नहीं। हो सकता है कि बिल बाद में एक दो दिन बाद चार दिन बाद एक्सेप्ट हुआ। सो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज द डेट ऑन विच द बिल इज एक्सेप्टेड। अब हुआ क्या है कि मैंने जो फॉर्मूला लिखा इसमें मैंने डेट ऑफ ड्रॉवल ऑब्लिक डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिख दिया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेशन में या तो डेट ऑफ ड्रॉवल भी हो सकता है या तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। और अभी तुरंत मैंने बता दिया कि दोनों डेट सेम रहने जरूरी नहीं है, फिर अब ये तो फिर अभी ये कंफ्यूजन हो गया, फिर कहां से शुरुआत करें? दोनों डेट अलग अलग हो सकती है, तो वेदर टू स्टार्ट विद डेट ऑफ ड्रॉवल और टू स्टार्ट विद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इट विल बी अ कंफ्यूजन नाउ। उसका भी बेटा डिसाइडेड है, रूल है कि क्या करना है। इफ द टेन्योर ऑफ द बिल, टेन्यूअर मतलब जो क्रेडिट पीरियड रहता, इफ द टेन्यूअर ऑफ द बिल इज टू स्टार्ट आफ्टर डेट, इफ द टेन्यूअर ऑफ द बिल इज टू स्टार्ट आफ्टर डेट, देन वी आर रेफरिंग टू द डेट ऑफ ड्रॉवल, देन वी आर रेफरिंग टू द डेट ऑफ ड्रॉवल, वी स्टार्ट विद डेट ऑफ ड्रॉवल। बट इफ द टेन्यूअर इज टू स्टार्ट आफ्टर साइट, आफ्टर साइट तुम याद करो, तुमको याद आएगा टू मंथ आफ्टर साइट ऐसा कहीं लिखा हुआ रहता। So if the tenure is to start after sight, then we start with date of acceptance. ठीक है ना? अब ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिंपल वर्ड्स में मैं तुमको बताता हूं कि ये क्या है। आदित्य, आदित्य के ऊपर मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम ड्रॉवर, आदित्य इज ड्रॉइंग। ठीक है? अब जब मैं आदित्य के ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा हूं तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आई एम टॉकिंग विद आदित्य, हम दोनों के बीच का डॉक्यूमेंट है ना, राइट? तो बाय ड्रॉइंग बिल ऑफ एक्सचेंज आई एम कम्युनिकेटिंग विद आदित्य। अब वो बिल में मैं लिख रहा हूं टू मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी और माय ऑर्डर। अब ये जब मैं लिख रहा हूं, मैं ड्रॉवर हूं, मैं ड्राफ्ट बना रहा हूं, तो कौन सी डेट है वहां पे? डेट ऑफ ड्रॉवल ही है ना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तो अभी तक आया ही नहीं है। ये तो ड्राफ्ट लिखते वक्त मैं लिख रहा हूं टू मंथ्स आफ्टर द डेट, टू मंथ्स 45 डेज, 60 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, जो भी ड्यूरेशन रहेगा, मैं क्या लिख रहा हूं टू मंथ्स आफ्टर द डेट। तो विच डेट आई एम रेफरिंग टू? डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉवल। सो इफ द टेन्योर इज टू स्टार्ट आफ्टर डेट, आई हैव टू स्टार्ट विद डेट ऑफ ड्रॉवल। वही मैं वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब मैं आदित्य को लिख रहा हूं टू मंथ्स आफ्टर साइट पे टू मी और माई ऑर्डर। टू मंथ्स आफ्टर साइट मतलब टू मंथ्स आफ्टर यू सी द बिल, टू मंथ्स आफ्टर यू, आफ्टर साइट का मतलब क्या? बिल देखने के बाद, आफ्टर यू सी द बिल, राइट? अब यहां पे कौन सी डेट आई? डेट ऑफ एक्सेप्ट। डोंट टेक लिटरल मीनिंग गाइस, आफ्टर यू सी द बिल। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, सर व्हाट इफ ड्रॉई इज ब्लाइंड? ड्रॉई अगर ब्लाइंड है तो देखेगा ही नहीं, तो फिर तो क्या ड्यू डेट आएगा ही नहीं? डोंट टेक लिटरल मीनिंग, टू मंथ्स आफ्टर यू सी द बिल का मतलब when you accept the bill. So if it is after sight, we start with date of acceptance. So ye rule abhi dhyan rakhna iske aage. 12th mein sikhate ho to ye batate nahi hai, bahut sari jagah mujhe malum hai 12th mein jab ye topic hota hai to, but abhi iske aage kahin problem nahi aana chahiye. To abhi main tumko clear cut bata raha hu. If the bill drawn is after date, if the tenure is to start after date, start with date of drawal. But if it is after sight, you start with date of acceptance plus tenure or period of the bill, plus tenure or period of the bill. Tenure or period of the bill means that period,
राइट। नाउ गाइज इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है बट वो पॉइंट भी गड़बड़ करता है, और अपन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव रहते हैं एंड एग्जाम में तो अपनी क्रिएटिविटी फूट फूट के बाहर आती है मतलब, राइट। गाइज डोंट कन्वर्ट डेज इंटू मंथ्स और मंथ्स इंटू डेज। अपने को गंदी आदत रहती है एग्जाम में एडवेंचर करने की, टेन्योर जैसे दिया वैसे ऐड करने का, मंथ्स में दिया तो मंथ्स ऐड करने का, डेज में दिया है तो डेज ऐड करने का। समझो 30 डेज दिया है फास्ट करने के चक्कर में 1 मंथ। कुछ कुछ उल्टे दिमाग वाले भी रहते, सीधा सीधा प्रॉब्लम है दिया एट 2 मंथ्स, टेन्योर 2 मंथ्स, बच्चा बोलता 60 डेज तो आ बैल मुझे मार। अरे भाई सिंपल है, 2 महीने ऐड करने को बोल कर ना, 2 महीने का आपको 60 डेज। पहले कंफ्यूजन होता है, अभी भी बचपन से जनवरी फरवरी में किधर क्या हो रहा है, जीत नहीं रहा है ना। प्लीज डोंट डोंट कन्वर्ट डेज इनटू मंथ्स, मंथ्स इनटू डेज। द रीजन बीइंग 30 डेज डू नॉट नेसेसरीली मीन 1 मंथ, 1 मंथ डज नॉट नेसेसरीली मीन 30 डेज। क्या आप सब लोग जानते हो कि 12 महीने जो इंग्लिश कैलेंडर में है उसमें कुछ महीनों में 30 दिन आते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन आते हैं, राइट। और 28 दिन वाला भी एक महीना होता है, वैसे तो सारे महीनों में ही 28 दिन होते हैं बट एक महीना सिर्फ 28 दिन वाला होता है, राइट। और वो है फरवरी, एंड उसमें भी लीप ईयर आया तो 29 डेज। अब लीप ईयर क्या रहता है ये अगर नहीं मालूम है तो यहां से डायरेक्ट टेरेस पे जाना, हम कुछ जाना नीचे, राइट, फोर्थ फ्लोर से, और उससे भी अगर दूसरी कोई बड़ी आजू बाजू बिल्डिंग है तो वहां जाओ। लीप ईयर पता है सबको, हर 4 साल बाद आता है। कब आ गया लीप ईयर? गुड, हाँ चलो मालूम है। सो नेक्स्ट लीप ईयर विल बी 2024। ओके एनीवे, सो व्हाइल एडिंग द टेन्योर और पीरियड डोंट कन्वर्ट डेज इंटू मंथ्स और मंथ्स इंटू डेज। क्यों? तो सिंपल है बेटा फंडा उसके पीछे का, कि 30 दिन डजेंट मीन 1 मंथ, 1 मंथ डजेंट मीन 30 डेज। तो सीधा सीधा जो दिया है वो ऐड करने का है, प्लस 3 ग्रेस डेज। ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, नहीं तो रेगुलर बैच में तो मैं बहुत मजा लेता हूँ ये ग्रेस डेज की निस की, बट ठीक है। ग्रेस डेज क्यों ऐड करते है? इसलिए नहीं कि 12th के सर ने बोला था, या इसलिए नहीं कि सुशील सर ने अभी लिखा है, इसलिए लॉ में प्रोविजन है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में लिखा है कि 3 ग्रेस डेज देने हैं। अभी 3 इंच क्यों ऐड करने का इसका कोई आंसर नहीं है, लॉ में लिखा है। 1881 में ना आप थे ना मैं था जब लॉ लिखा गया, है ना। तो 3 डेज क्यों लिखे ये हम जानते नहीं, आप थे भी उस टाइम पे, हम तो आज याद नहीं, पिछले जन्म में रहेंगे ना आप, पिछले जन्म में रहेंगे तो अब क्या मालूम। नहीं बच्चे पूछते क्यों 3 क्यों, जो रहते थोड़े नोटोरियस बच्चे क्लास में, तो लॉ में लिखा है भाई, लॉ में 3 इंच क्यों लिखा, तो मैं सीधा आंसर देता हूं ऐसे बच्चे को। हो सकता है 3 लोग बैठ के लॉ लिख रहे थे तो तेरा एक दिन मेरा एक दिन इसका एक दिन या हो सकता है जो मेन था लॉ बनाने वाला अंग्रेज कोई तो रहेगा उस टाइम पे, तो उसके 3 बच्चे रहेंगे तो 3 को खुश कर दिया, एक दिन तेरा ले बेटा, एक दिन तेरा ले, एक दिन इसका ले। लॉ में लिखी हुई प्रोविजन है, यू कैनॉट चैलेंज इट, लॉ के प्रोविजन को यू कांट चैलेंज। अभी आदित्य बोला, आदित्य को अगर तुम पूछेंगे कि तेरा नाम आदित्य क्यों है, अभी इसका क्या आंसर है? हम माँ बाप ने आदित्य रखा, वो क्यों रखा, अभी वो क्यों रखा, उनको पता चला, वो क्यों पता, इसका कोई आंसर नहीं रहता। तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, जैसे है वैसे याद रखने का। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब ये कैलकुलेशन करते वक्त अगर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन आया, इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, तो प्रीसीडिंग डेट इज टेकन एज ड्यू डेट, एक दिन पहले उसको ड्यू किया जाता है। अगर ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलीडे के दिन आया, सक्सीडिंग डेट अगला दिन, नेक्स्ट बिजनेस वर्किंग डे इज टेकन एज ड्यू डेट। अब ये भी बेटा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस वाली बात है रे, कॉमन सेंस। अभी ड्यू डेट कैलकुलेट किया इस फॉर्मूला से, एंड ड्यू डेट आ रहा है 15 अगस्त। अब इंडिया में रहते हो तो पूरे इंडियंस को, और सिर्फ इंडिया में रहने वाले ही नहीं बाहर के इंडियंस को, सबको पता है कि 15 अगस्त अपने पास पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, उस दिन सेटलमेंट हो सकता क्या? नहीं। अरे तो जब बिल ड्रॉ किया तभी तुमको ड्यू डेट तो कैलकुलेट करने आ गया ना, तुमको ड्यू डेट मालूम है ना, बिल ड्रॉ किया तभी, तो उसी दिन तुमको समझ में आ गया कि इसकी ड्यू डेट 15 अगस्त को आ रही है, जिस दिन बैंक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे, तो बिल कांट बी पेड। तो फिर वो जो ग्रेस डेज है ना, 3 ग्रेस डेज, राइट, वो और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी तुमको 3 दिन का तो ग्रेस दे ही दे रहे ना ड्रॉई को, फिर क्या करते हैं जब पहले से पता है कि उस दिन सेटलमेंट नहीं हो सकता, तो एक दिन पहले,
वन डे बिफोर बिकॉज यू नो इट इन एडवांस. पब्लिक हॉलीडेज तो पहले से पता रहते ना अपने को, हर साल के हर साल पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर होते कि कौन से जो फिक्स थे वो तो है ही, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 25 दिसंबर क्रिसमस, राइट, 1 मे महाराष्ट्र महाराष्ट्र डे, अदरवाइज लेबर डे, इट इज पब्लिक हॉलीडेज लेबर डे, महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र डे, 2 अक्टूबर नॉट बिकॉज इट इज ड्राई डे, इट इज गांधी जयंती, राइट, गांधी जी जयंती है, राइट. सो और कौन सा, 5 सितंबर इज नॉट पब्लिक हॉलीडे, नहीं नहीं नहीं, टीचर्स डे का पब्लिक हॉलीडे नहीं है बेटा, टीचर्स डे के दिन तो वर्किंग है. 14 नवंबर भी पब्लिक हॉलीडे नहीं है, चिल्ड्रंस डे. 14 फेब तो नहीं है, नहीं रे, 14 फेब को कहा पब्लिक हॉलीडे, उस दिन तो काम करना पड़ता भाई, राइट, उस दिन छुट्टी देके कैसे चलेगा, हाँ, अरे उस दिन वर्किंग है, छुट्टी थोड़ी है, 14 फेब क्लास नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा, फिर सब घूमने जाएंगे, क्लास ही अच्छा. सो गलत गलत इंप्रेशन में मत रहो, ये तो फिक्स डेट्स पे आने वाले पब्लिक हॉलीडेज हो गए, इसके अलावा तिथि के हिसाब से आने वाले भी हॉलीडेज होते हैं. जैसे ईद है, ईद साल में 4 ईद की छुट्टियां होती है अपने पास, 4 अलग अलग ईद. अब वो ईद वो इसके हिसाब से आता है ना, चांद के हिसाब से, राइट, तो वो हिसाब से हर साल के वो हॉलीडेज अलग. दिवाली, दशहरा, ये सारे हॉलीडेज जो तिथि के हिसाब से आते हैं वो हर साल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है. तो अपने को एडवांस में पता रहता है ना कि इस दिन बिल ऑनर नहीं हो सकता, इस दिन बिल पे नहीं हो सकता, तो देन वन डे बिफोर डेट इज टेकन एज ड्यू डेट, एक दिन पहले उसको ड्यू डेट बोल के लिया जाता है. अब वही अगर जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ, इमरजेंसी, बेटा मैं बोल रहा हूं ना, कॉमन सेंस है, आज ड्यू डेट है आज बिल का, और इमरजेंसी बोल तो इमरजेंसी में डिक्लेयर किया गया है ना, पहले से डिक्लेयर हुआ तो इमरजेंसी रहता क्या, नहीं. उसको इमरजेंसी बोलते क्या, नहीं. आज सवेरे इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है, अब आज सवेरे इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ तो मैं कल जा सकता हूं क्या, नहीं. लेकिन मैं कल जा सकता हूं, बराबर ना, राइट. मैं पीछे नहीं जा सकता, कल नहीं जा सकता, बट टुमारो नेक्स्ट बिजनेस वर्किंग डे पे जा सकते, तो इमरजेंसी हॉलीडे है तो अगला दिन. तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एक्ट में लिखा है, नहीं याद रखना जरूरी है क्या, कॉमन सेंस है भाई, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुआ है, मैं पीछे तो जा नहीं सकता. वो एवेंजर्स बिवेंजर्स पिक्चर्स वो टाइम पास है कि टाइम मशीन घुमायन करे, ऐसे कुछ नहीं होता रहता रियल लाइफ में, राइट ना, तो पीछे तो जा नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचता है, हाँ. लेकिन पब्लिक हॉलीडे तो पहले से पता है, पहले से पता है तो मैं एक दिन पीछे ले सकता हूं उसको. कहते झेपते नखी, ये लिखा फॉर्मूला, उसके नीचे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, इफ the tenure of the bill, if the tenure of the bill is to start after the date then the date of drawal is taken as the starting point. The date of drawal is taken as the starting point. Number 2, if the tenure of the bill is to start
आफ्टर साइट, आफ्टर साइट देन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, देन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज टेकन एज ड्यू डेट ड्यू डेट नहीं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट नंबर थ्री नंबर थ्री while adding tenure of the bill don't convert days into months don't convert days into months or months into days full stop number 4 the due date without adding 3 grace days the due date without adding 3 grace days is called as nominal due date is called as nominal due date and after adding 3 grace days and after adding 3 grace days it is called as legal due date it is called as legal due date serial number 5 it is very important likho aise it is very important to note that the amount of bill it is very important to note that the amount of bill is payable by drawee on legal due date amount of bill is payable by drawee on legal due date and not on nominal due date ये पॉइंट इसलिए लिखा के दिया क्यों तो बहुत बार क्या रहता है ट्वेल्थ में सिखाते हो तो शायद नॉमिनल ड्यू डेट बताते नहीं है अब अभी मैंने तुमको लिखा के दिया ऊपर के पॉइंट में कि थ्री ग्रेस डेज ऐड करने के पहले जो ड्यू डेट आता है उसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं थ्री ग्रेस डेज ऐड करने के बाद जो आता है उसको लीगल ड्यू डेट बोलते हैं फिर बच्चे एक डाउट आ सकता है माइंड में फिर पिकअप करने का सर दोनों ड्यू डेट है ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया कि थ्री ग्रेस डेज ऐड करने के पहले नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं बाद में थ्री ग्रेस डेज ऐड करने के बाद उसको लीगल ड्यू डेट बोलते हैं पेमेंट कब होने वाला है लीगल ड्यू डेट पिच होने वाला है जस्ट फॉर योर नॉलेज आई शेयर्ड कि नॉमिनल ड्यू डेट क्या रहता समझा क्या सीरियल नंबर 6 इफ ड्यू डेट ऑफ द बिल इफ ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स ऑन
अब पब्लिक हॉलिडे फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलिडे देन द प्रिसीडिंग डेट देन द प्रिसीडिंग डेट इज टेकन एज द प्रिसीडिंग डेट इज टेकन एज the due date of the bill. The preceding date is taken as due date of the bill. Number seven. If due date of the bill falls on An emergency holiday falls on an emergency holiday. Then next business working day. Is taken as due date. And last point. In case of demand bills. In case of demand bills, in case of demand bills, 3 days of grace, 3 days of grace are not added while calculating the due date. While calculating the due date, full stop और continue करो उसी point में आगे. The demand bills may be narrated. The demand bills may be narrated as under. Demand bill कैसे पहचानने का? A next line on demand. Or it may be written as on presentation. Or it may be at site हाँ, not after site, at site. अब ये तीनों का मीनिंग एक ही है. On demand pay to me or my order. बोलते जब कभी मैं डिमांड करूंगा तुमको पे करना है. तो फिर उसमें थ्री ग्रेस डेज चलेंगे क्या? फिर वो डिमांड बिल का मतलब क्या रहेगा? ऑन डिमांड का मतलब ये है कि तुम जो बिल अभी एक्सेप्ट कर रहे हो, जब कभी मैं बाद में प्रेजेंट करूंगा आपको, यू हैव टू मेक द पेमेंट. दैट इज कॉल्ड एज डिमांड बिल. अब उसी को मैं ऑन प्रेजेंटेशन बोल सकता हूं. ऑन प्रेजेंटेशन पे टू मी और माई ऑर्डर. तो जब कभी मैं प्रेजेंट करूंगा पेमेंट के लिए, यू हैव टू मेक द पेमेंट. एट साइट वेन एवर यू सी द बिल नेक्स्ट टाइम. जब इसका मतलब जब भी कभी मैं पैसा मांगूंगा तो आपको देना पड़ेगा. उस केस में थ्री ग्रेस डेज एड नहीं करते. तो ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन, एट साइट, नो ग्रेस डेज. No grace days. Grace days नहीं आते.
प्रॉब्लम? सारी चीजें क्लियर है दिमाग में? ये मेरे नोटबुक भी तुम एक बार भी ऐसे गो थ्रू कर लोगे ना 10 मिनट में एक टॉपिक, तो पूरा के पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से मैं समरी फॉर्म में सब लिखा के दे रहा हूं। यस, टेकिंग अहेड दिस डिस्कशन, नाउ वी कम टू द मेन टेक्निकल पार्ट। हु इज द ओनर ऑफ द बिल? ड्रॉवर, ऑब्वियसली ड्रॉवर। ड्रॉवर के लिए ऐसे टाइप ऐसा आना है, तो हु इज द ओनर ऑफ द बिल? ड्रॉवर। ड्रॉवर ड्रॉज द ड्राफ्ट, ड्रॉवर ड्रॉज द ड्राफ्ट, सेंड्स इट टू ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट्स द ड्राफ्ट, इट बिकम्स अ बिल, एंड दैट बिल इज नॉट रिटेन्ड बाय ड्रॉई, द बिल इज सेंड बैक टू द ड्रॉवर। वापिस बिल एक्सेप्ट होकर ड्रॉवर के पास ही आता है। तो ओनरशिप किसकी है? ड्रॉवर की है। तो ओनरशिप स्टेज विथ ड्रॉवर। तो अभी बिल ड्रॉ हुआ है, एक्सेप्ट हो गया, अब उसकी ड्यू डेट। अब इसमें पीरियड है ना, बीच में इंटरिम पीरियड है ना, क्या? तो क्रेडिट पीरियड अलाउड रहता ही है ना, जो भी पीरियड है। तो उतने पीरियड के लिए तो बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस विद द ड्रॉवर एज लॉन्ग एज दैट बिल इज कंसर्न? वो बिल को लेकर ड्रॉवर के पास क्या क्या ऑप्शंस है? राइट, फोर ऑप्शंस आर देयर विद द ड्रॉवर विद रिगार्ड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट ऑप्शन इज ही मे रिटेन द बिल। सेकेंड ऑप्शन, ही मे सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। He may discount the bill with bank. And last option, he may endorse the bill. तो ये चार जो options है, ये चार options को अपने को फटाफट समझना है कि क्या है। चलो लिखो। Retaining of bill, sending the bill to bank for collection. लास्ट ऑप्शन इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। सो दीज फोर ऑप्शंस आर अवेलेबल विद द ड्रॉवर एज लॉन्ग एज बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न। ही मे रिटेन द बिल, ही मे सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ही मे डिस्काउंट द बिल विद बैंक, और ही मे एंडोर्स द बिल। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल दीज फोर ऑप्शंस। चारों भी ऑप्शन समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला ऑप्शन है रिटेनिंग ऑफ बिल। एज द नेम सजेस्ट, रिटेनिंग ऑफ बिल का मतलब जस्ट द बिल विल बी केप्ट बाय द ड्रॉवर टिल इट्स ड्यू डेट, एंड ऑन ड्यू डेट ड्रॉवर विल प्रेजेंट द बिल टू द बैंक टू द ड्रॉई फॉर पेमेंट। सो इट इज रिटेनिंग ऑफ बिल, बेसिकली डूइंग नथिंग विद द बिल, जस्ट कीपिंग द बिल विथ हिमसेल्फ, विद ड्रॉवर हिमसेल्फ,
till due date, and on due date the bill will be presented for payment. So that is the retaining of bill. So basically, जब कुछ नहीं किया जाता बिल के साथ में तो उसको बोलते रिटेनिंग ऑफ बिल. सो रिटेनिंग ऑफ बिल में क्या होगा, ड्रॉवर विल ओपन हिज ड्रॉवर व्हेन ही रिसीव्स द बिल. ड्रॉवर विल ओपन हिज ड्रॉवर, कीप द बिल इनसाइड द ड्रॉवर. ड्रॉवर विल क्लोज द ड्रॉवर. ड्रॉवर विल लॉक द ड्रॉवर. ऑन ड्यू डेट ड्रॉवर विल अनलॉक द ड्रॉवर फर्स्ट. अनलॉक द ड्रॉवर. ड्रॉवर विल ओपन द ड्रॉवर. Drawer will take bill out of the drawer, present it to the drawee. Drawee, let's say if he pays, right? नहीं अभी close कैसे पैसे आएंगे ना रखेंगे ना drawer में, right? Bill will be presented to drawee. Let's say drawee मेरे जैसा honest sincere है. Drawee made the payment. वो पैसा drawer के पास आ गया. Drawer में रख दिया. समझ में आया? बेसिकली डूइंग नथिंग विद द बिल, दैट इज रिटेनिंग ऑफ बिल. तो रिटेनिंग ऑफ बिल इज कीपिंग द बिल with drawer himself and presenting it to drawee on due date. Keeping the bill with drawer himself and presenting it to drawee on due date. Sending the bill to bank for collection. Sending the bill to bank for collection. आप सब लोग जानते हैं कि आज बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक्स आर प्रोवाइडिंग एन नंबर ऑफ सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स, टू इट्स अकाउंट होल्डर्स. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी एक सर्विस बैंक देता है कि इंस्टेड ऑफ ड्रॉवर हिमसेल्फ गोइंग टू ड्रॉ ऑन ड्यू डेट एंड कलेक्टिंग द अमाउंट, ही मे गिव दैट बिल टू बैंक एंड बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर विल गो टू ड्रॉ एंड कलेक्ट द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर. गाइज, व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इट इज ट्रांसफर ऑफ possession only and not the ownership in favor of bank. ट्रांसफर ऑफ पोजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें फर्क है. मुझे कुछ इमरजेंसी है, एज ऑफ नाउ मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट की कि तुम्हारा मोबाइल दो, मुझे कॉल करना है, तुमने मेरे को कॉल करने के लिए मोबाइल दिया. इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. यू आर स्टेइंग इन पीजी, आप कहीं पेइंग गेस्ट बोल के रह रहे हो, आप किसी फ्लैट में रह रहे हो, रेंट पे लिया है, कुछ पीरियड के लिए तुमको सिर्फ पोजीशन मिला है ना. हैव यू बिकम द ओनर? नो, यू हैव नॉट बिकम द ओनर. मुझे कहीं बाहर जाके आना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है और सिटी एरिया में कहीं जाना है, कार जा नहीं सकती, मेरे को टू व्हीलर पे जाना है, तो आपकी किसी की टू व्हीलर मैंने ले ली और मैं एक 15 मिनट मेरा काम करके आया, जाके आया. हैव आई बिकम द ओनर? नो, आई जस्ट गॉट द पोजीशन. ऐसा ही है बेटा कि जब बिल बैंक को दिया जाता है कलेक्शन के लिए, बैंक इज नॉट बिकमिंग द ओनर ऑफ द बिल. बैंक विल बी गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर हिमसेल्फ, मीन्स बैंक विल बी एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द ड्रॉवर. पैसा कब मिलेगा? ड्यू डेट पे मिलने वाला है. पैसा कब मिलेगा? ड्यू डेट पे ही मिलने वाला है, राइट? सिर्फ इंस्टेड ऑफ ड्रॉवर हिमसेल्फ गोइंग टू द ड्रॉई, बैंक विल गो ऑन बिहाफ ऑफ
ड्रॉवर, ड्रॉवर खुद जाने के बजाय ड्रॉवर के बिहाफ पे बैंक जाके कलेक्ट करेगा, तो बैंक इज जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट, राइट। तो रिटेनिंग ऑफ बिल एंड सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या फर्क है? रिटेनिंग ऑफ बिल में ड्रॉवर हिमसेल्फ विल अप्रोच द ड्रॉवी फॉर पेमेंट ऑन ड्यू डेट। इन केस ऑफ सेकेंड ऑप्शन सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक विल गो ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर, बैंक विल गेट ओनली पजेशन ऑफ द बिल एंड नॉट द ओनरशिप। क्लियर है? थर्ड सिचुएशन जो है, थर्ड सिचुएशन थोड़ा सा डिटेल में समझना है अपने को, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, आई हैव ड्रॉन अ बिल ऑन यू, मैं ड्रॉवर हूं आप ड्रॉई हो, आपने एक्सेप्ट करके मेरे को बिल वापस दे दिया, तो ओनर मैं हूं ना बिल का। अब ये बिल समझो 3 महीने के लिए ड्रॉ किया है, 3 महीने के लिए 10,000 रुपए का बिल है, एंड इट इज ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स, आज ही तुमने एक्सेप्ट करके मेरे को वापस दिया बिल। प्रॉब्लम ये है यार कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है जिसके अगेंस्ट में 3 महीने का बिल विड्रॉ हुआ है, मुझे आज पैसे की जरूरत है, टुडे आई नीड फंड्स, कैन आई फोर्स यू टू मेक द पेमेंट अगेंस्ट द बिल टुडे? आई कांट, लीगली आई कांट। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई अगर पॉसिबल है तो दे दो, बट मैं फोर्स कर सकता क्या तुमको? नहीं। अच्छा, तुमको मैंने बोला भी, रिक्वेस्ट भी किया, तो तुम्हारे पास अगर फिजिबिलिटी रही तो ही तुम दोगे ना, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बोलोगे कि सर नहीं है पॉसिबल, 3 महीने बाद ही दे सकता हूं मैं, तो तुम्हारे पास लीगल राइट है ना, राइट। आई कैनॉट फोर्स यू, आई कैनॉट फोर्स द ड्रॉई टू मेक द पेमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी, बट फिर वो मेरा एसेट तो है ना, तो एसेट है तो मुझे उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, तो वो एक ऑप्शन बैंक मेरे को देता है, आई कैन गो टू द बैंक एंड गेट द बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटिंग करना बैंक में मतलब क्या होगा, मैं आपको बोलता हूं, आई विल पास ऑन द ओनरशिप ऑफ द बिल अलॉन्ग विथ पोजेशन इन फेवर ऑफ बैंक। मैं ओनरशिप के साथ साथ पोजेशन, पोजेशन तो जाएगा ही, ओनरशिप भी पास ऑन हो जाएगी बैंक के फेवर में। मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला ये 3 महीने बाद का ड्यू डेट है इस बिल का, मैं ड्रॉवर हूं, मैं ओनर हूं इसका, ये इंसान ड्रॉई है, इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, ये बिल का ओनरशिप आप ले लो, मुझे इस बिल के पैसे तुम आज दे दो, मुझे आज जरूरत है पैसे की। दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अगेन गाइज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपन कोई मंगलयान कैसे छोड़ेंगे ये नहीं डिस्कस कर रहे, बहुत सिंपल फंडा है। पुट योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ बैंक और आप मेरे को बताओ कि 3 महीने बाद इस बिल के अगेंस्ट में पैसा मिलने वाला है, आज तुम ड्रॉवर को पे करने वाले हो, तुम बैंक हो, पूरे 10,000 दोगे क्या तुम? ऑब्वियसली यार, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप कुछ ना कुछ चार्जेस आपके कट करोगे, बेसिकली इस 3 महीने का तुम इंटरेस्ट लोगे, उसको हम बोलते नहीं इंटरेस्ट, बट एक्चुअली व्हाट इज इट, इंटरेस्ट ओनली। तो 3 महीने बाद तुमको पैसा मिलने वाला है बैंक को भाई, तो बैंक पूरा पैसा देगा, बैंक के चैरिटी करने के लिए बैठा है क्या इधर? इमेजिन करो कि बैंक ने 10,000 रुपये मेरे को दे दिया, आज बिल 10,000 का था, और बैंक को 3 महीने बाद 10,000 रुपये मिलेंगे, ये बैंक के टाइम पास के लिए बनाए, चैरिटी करने के लिए बनाए है? ऑब्वियसली बैंक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है बॉस, वो भी तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो पैसा लेंगे ना वो। बैंक ने बोला कि सर ठीक है, हम आपको पैसे देते हैं सर, बट हम डिस्काउंट कट करेंगे, इट इज नोन एज डिस्काउंट, इवन दो वी कॉल इट एज डिस्काउंट, इट इज एक्चुअली इंटरेस्ट। 3 महीने का इंटरेस्ट, लेट्स से 300 रुपये उन्होंने कट कर दिया, 300 रुपीज, उन्होंने मेरे को कितने दिए? 9,700। 10,000 में से उन्होंने 300 रुपये कट कर लिए, तो बैंक पेड मी 9,700 रुपीज। आई शुड नॉट माइंड 9,700 मिले बोल के, अरे भाई 3 महीने पहले मिले ना, लीगली कब मिलने वाले पैसे? 3 महीने बाद। तो 3 महीने पहले अगर मुझे पैसे मिल रहे तो भाई आई शुड माइंड कि 300 रुपये कट हुए, अरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पैसे कट हुए भाई, बैंक ले गई। तो ये 300 रुपये डिस्काउंट कट होके 9,700 रुपये मुझे आज मिल गए, बट इस केस में हुआ ये, ओनरशिप हैज बीन पास टू बैंक, तो ओनर कौन बन गया? अब बैंक। अब ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास कौन जाएगा? बट नाउ बैंक विल बी गोइंग ऑन इट्स ओन बिहाफ, नाउ बैंक वोंट बी गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर, क्योंकि ओनरशिप पास ऑन हो चुकी है। अब ड्रॉई से बैंक कितने पैसे कलेक्ट करेगा? पूरे 10,000 रुपए, पूरे 10,000। बैंक ने मेरे को कितने दिए थे? 9,700। ड्रॉई से कितने लेगा? तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 300 रुपए, वो बैंक का इनकम है। सो दिस डिस्काउंट 300 रुपीज इज इनकम फॉर द बैंक, एक्सपेंस फॉर द ड्रॉवर, ड्रॉवर का खर्चा है। क्यों ड्रॉवर का एक्सपेंस है?
उसको पैसा जल्दी मिल रहा ना, पैसा जल्दी मिला तो एक्सपेंस उसका है। काय बोलते कहते है पक्का? तो बेटा सेकंड ऑप्शन में भी बैंक इन्वॉल्व था, थर्ड ऑप्शन में भी बैंक इन्वॉल्व है, वो दोनों में बहुत बहुत बड़ा फर्क है। सेकंड केस में वॉज ओनरशिप ट्रांसफर्ड, नो, इन थर्ड केस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। अच्छा, सेकंड केस में ड्राइवर को पैसा कब मिला? ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे कलेक्ट करेगा बैंक। बट थर्ड केस में डिस्काउंटिंग होगा तब, तुरंत पैसे मिल जाएगा जिस दिन डिस्काउंटिंग होगी, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है तो बैंक खुद के फंड्स में से तुमको ड्राइवर को पैसा दे देगा। कहते हैं सो व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अलोंग विथ पोजीशन इन फेवर ऑफ बैंक। The discount deducted by bank will be expense of drawer and income of the बैंक। बराबर है? व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट ऑफ बिल? लास्ट ऑप्शन। हमने आज डेफिनेशन जब सीखी तो मैंने आपको बताया कि इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो मैंने आपको गुड्स बेचे बट मैंने भी तो किसी से खरीदे रहेंगे ना, राइट? तो मेरा भी तो कोई क्रेडिटर हो सकता है ना, राइट? तो मैंने जो बिल ड्रॉ किया उसके अगेंस्ट में पैसा मुझे आना है। फॉर द बिल ड्रॉन बाय मी अमाउंट इज रिसीवेबल। तो वो बिल मैं मेरे क्रेडिटर को भी तो दे सकता हूँ ना कि भाई तुम्हारे को जो मैंने पेमेंट देना है क्रेडिटर को मेरे, उसके बदले में ये बिल ले लो, राइट? और सेटलमेंट कर लेते हैं। सो इट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ बिल इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉवर in favor of creditor of the drawer is related a important point a bill can be endorsed any number of times before its due date. Due date के पहले एक बिल कितनी भी बार एंडोर्स हो सकता है, n number of times. मैंने बिल एंडोर्स किया मेरे क्रेडिटर को, फिर वो ओनर बन जाएगा। He can endorse it to somebody else. वो जिसको किसी को ट्रांसफर करेगा वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो एंडोर्समेंट कैन बी एन नंबर ऑफ टाइम्स, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ एंडोर्समेंट्स। ओनली थिंग इज इट हैज टू बी डन बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद में तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना, राइट? बिफोर इट्स ड्यू डेट द बिल कैन बी एंडोर्स्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, राइट?
लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट तुमको थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा एग्जांपल एंडोर्समेंट का, एंड देन वी विल गो फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। लेट्स से करीना ने सैफ को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे, सो करीना इज ड्रॉवर क्रेडिटर एंड सैफ इज डेटर, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है दोनों के बीच में। जो गुड्स करीना ने सैफ को बेचे ना, करीना ने वो खरीदे थे शाहिद से, करीना हैड परचेज दिस गुड्स फ्रॉम शाहिद। तब करीना का शाहिद कौन है? अकाउंटिंग में तो क्रेडिटर है, बाकी क्या एक्स जो भी है, राइट। सो हु इज शाहिद? क्रेडिटर ऑफ करीना। अब करीना ने शाहिद को 10,000 रुपए देने हैं और करीना को सैफ से 10,000 रुपए आने हैं। अब करीना ने सैफ के ऊपर बिल ड्रॉ किया हुआ है, सो दिस बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ शाहिद। करीना कैन गिव दिस बिल टू शाहिद। इस केस में करीना विल बी एंडोर्सर, शाहिद विल बी एंडोर्सी। एंडोर्समेंट के बाद ओनर कौन हो गया? शाहिद। अब ड्यू डेट के दिन सैफ के पास कौन जाएगा? एंड सैफ विल पे टू होम शाहिद, करेक्ट है, राइट। सो एंडोर्समेंट इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिल इन फेवर ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द ड्रॉवर। क्रेडिटर्स को तुम एंडोर्स कर सकते हैं, कुछ नहीं, बिल के पीछे लिखना पड़ता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ, जिसका नाम लिखो और साइन कर दो, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। एंड हाउ मेनी टाइम्स अ बिल कैन बी एंडोर्स्ड? अ बिल कैन बी एंडोर्स्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर इट्स ड्यू डेट। एनी प्रॉब्लम? तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है बेटा ड्रॉवर के पास? ही मे रिटेन द बिल, ही मे सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ही मे डिस्काउंट द बिल, एंड ही मे एंडोर्स द बिल। तो चार ऑप्शन है, चारों क्लियर है? पक्का? अब अपन अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करेंगे। बट बेटा मैं अकाउंटिंग एंट्रीज लिखा के नहीं दूंगा, उतना टाइम नहीं अपने पास, लिखाने में डालने से लिए 1 घंटा लग जाएगा, इतने सारे एंट्रीज। सारे एंट्रीज अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से ओरली, सारे एंट्रीज पूरे डिटेल में लॉजिक समझाता हूँ हर एंट्री का। या लिखना है? लिखना है, बहुत टाइम जाएगा लिखने में। चलो फिर लिखना तो फटाफट लिखो, लिखना है तो हो जाएगा, लिखा के तुम ठीक है, एज यू से, नो प्रॉब्लम। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या आधा घंटा ज्यादा है और क्या है। अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, लिखो लिखो लिखो। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बुक्स ऑफ ड्रॉई, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बुक्स ऑफ ड्रॉई। प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करो आप, मैं लाइन नहीं मार रहा हूं, आप लोग लाइन मारो, लेकिन आप लोगों को जरूरत है प्रॉपर फॉर्मेट बनाने की।
सीरियल नंबर वन परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अब आज जितना हमने डिस्कशन किया है उसके बाद में बेटा आप कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ड्रॉवर कौन है? सेलर। ड्रॉवर कौन है? सेलर। तो सेलर के बुक्स में गुड्स सोल्ड की एंट्री क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल क्या एंट्री करते हैं हम क्रेडिट सेल के? ड्रॉई मतलब ऑब्वियसली करेक्ट है ड्रॉई, बट बायर, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड हियर हु इज बायर? ड्रॉई। सो व्हाट विल बी द एंट्री? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई के लिए ये परचेस है, ही इज परचेसिंग द गुड्स, एंट्री। परचेसेस अकाउंट डेबिट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नंबर टू, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बेटा ड्रॉवर के लिए अमाउंट इज रिसीवेबल। ड्रॉवर के लिए इट इज एन एसेट, सो ही विल कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल। क्या एंट्री पास करेगा वो? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया है, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। What will be the entry in the books of drawee? For drawee, it is liability, bills payable. Drawer account debit drawer account debit to bills payable. सीरियल नंबर थ्री ए, सीरियल नंबर थ्री ए रिटेनिंग ऑफ बिल। सब लोग मेरे पास ध्यान दो बेटा, इस टॉपिक के बारे में नहीं पूछ रहा हूं मैं। फॉरगेट अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज में आज क्या सिखाया वो सब छोड़ दो। मैं एक बहुत ही नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जनरल। व्हाट डू वी अकाउंट फॉर? हम किसका अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। टू बी मोर स्पेसिफिक, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, मतलब ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी और मनी इज वर्थ, उसका अकाउंटिंग करते हैं ना, राइट। आप एक्सपर्ट के ऑफिस में आए और आपने इंक्वायरी की कि ये रिविजन बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, आपको बोला गया कि बैच स्टार्ट हो गया। अब आपने इंक्वायरी की, ये भी तो एक ट्रांजेक्शन ही है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, एनी काइंड ऑफ गिव एंड टेक इज ट्रांजेक्शन। डू यू अकाउंट फॉर दिस? नो, बिकॉज इट डजेंट इन्वॉल्व मनी और मनी इज वर्थ। अब जैसे तुमको पता चल गया कि बैच स्टार्ट हो गया तो तुमने जो भी फीस है वो पे कर दी। नाउ यू विल ऑल्सो अकाउंट फॉर दैट एंड वी विल ऑल्सो अकाउंट फॉर दैट,
बिकॉज दैट बिकम्स बिजनेस ट्रांजेक्शन राइट। अभी बिल रिटेन हुआ है, एक्सेप्ट होके आ गया, अब जस्ट रखा है उसको बिल को, ड्यू डेट तक वेट कर रहे, इज इट अ ट्रांजेक्शन? और टू बी मोर स्पेसिफिक, इज इट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? हाउ इट कैन बी अकाउंटेड, उसकी कोई एंट्री आने वाली है क्या? नो। सो रिटेनिंग ऑफ बिल, नो एंट्री, नाइदर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर नॉर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, नो एंट्री ना ड्रॉवर के बुक्स में ना ड्रॉई के बुक्स में। थ्री बी, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी कौन कलेक्ट करने वाला है? बैंक अपने बिहाफ पे कलेक्ट करेगा ना, तो वी विल शो दैट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, नहीं बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, जब तक पैसा नहीं आता बैंक अकाउंट कैसे डेबिट होगा? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, या यू कैन यूज द बिगर अकाउंट हेड, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। सो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल दे दिया मैंने बैंक को, अब बैंक मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करने वाला है, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट मैंने डेबिट किया। जब अमाउंट रिसीवेबल होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट कर दिया और बिल दे दिया बैंक को, तो क्या एंट्री पास हुई? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। गाइस, अमिताभ बच्चन परचेस्ड ज्वेलरी फॉर ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन परचेस्ड ज्वेलरी फॉर ऐश्वर्या राय बच्चन, विल आई पास एंट्री फॉर दैट? मैं मेरे बुक्स में क्यों एंट्री करूंगा? इज दैट माई ट्रांजेक्शन? ऑब्वियसली आंसर इज नो, सो वाई विल आई पास एंट्री फॉर दैट? अब आप बोलोगे सर को क्या हो गया अचानक, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन में कहां चले गए सर? कहीं नहीं गया मैं बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं। बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड बैंक। ड्रॉई का कुछ संबंध है इसमें? ड्रॉई को कोई लेना देना है? राइट, ड्रॉवर बिल रिटेन करे, बैंक को दे, डिस्काउंटिंग करे या एंडोर्स करे, ड्रॉई को कोई फर्क पड़ता है? ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री। काल, एनी प्रॉब्लम? सी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक। जब बिल डिस्काउंटिंग होता है तो अभी हमने डिस्कस किया 10 मिनट पहले कि ओनरशिप अलोंग विद पोजीशन ट्रांसफर होता है, बट बैंक पूरा पैसा नहीं देता, बैंक तुमको डिस्काउंट कट करके देता है, और वो जो डिस्काउंट है मैंने लिखा के भी दिया, इट इज एक्सपेंस ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर का वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अमाउंट लिखनी नहीं है अपने को ये फॉर्मेट में, लेकिन अपना एग्जांपल, कितने का बिल था जो मैंने डिस्काउंटिंग कराया? 10,000। बैंक ने कितना डिस्काउंट कट किया? 300। सो हाउ मच बैंक पेड? 9,700। सो एज अ ड्रॉवर आई विल रिसीव 9,700, सो फॉर मी इट इज रिसीट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट मत लिखो, सिर्फ समझो कितना होगा डेबिट कैश और बैंक अकाउंट, 9,700। अब वो डिस्काउंट जो 300 रुपए, That is expense for me. Being expense, it will be debited. Discount account, debit. To bills receivable account. To bills receivable account. Barabar? What will be the entry in the books of Droi? No entry. Again, Amitabh Aishwarya.
रॉय का कोई संबंध नहीं इसमें। डी एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ड्रॉवर उसके क्रेडिटर के फेवर में बिल एंडोर्स कर रहा है, क्रेडिटर को बिल देके क्रेडिटर का अकाउंट सेटल होगा ना, एज गुड एज पेमेंट कर रहे हैं ना बिल के फॉर्म में। बेटा नॉर्मल में अगर पेमेंट किया समझो कैश या चेक से क्रेडिटर को, तो हम क्या एंट्री पास करते, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब यहां पे कैश और बैंक की जगह बिल दे रहा हूं मैं, तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब क्रेडिटर बोल तो क्या नाम दिया टेक्निकली हमने, एंडोर्सी, तो क्या एंट्री पास होगी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। आया एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, समझा सबको? Yes. पक्का? ये हो गए प्राइमरी रूटीन एंट्रीज रिलेटिंग टू बिल। अब इसके बाद अपने को एक 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 सिचुएशन में एंटर होना पड़ेगा। अब यहां तक के एंट्रीज ये प्राइमरी एंट्रीज माने जाते बिल ऑफ एक्सचेंज के। अब सिचुएशन वाइज एंट्री चेंज होंगे। सिचुएशन वाइज मतलब अब ड्यू डेट पे जाएंगे अपन। अब ड्यू डेट पे क्या होगा वो तो डिपेंड करता है ना, पेमेंट हुआ तो ऑनर, पेमेंट नहीं हुआ डिसऑनर, ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट हो गया रिटायरमेंट, राइट, हो सकता है म्यूचुअल कंसेंट से बिल कैंसिल कर दिया रिन्यूअल, एंड ये भी हो सकता है ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट के दिन ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया। सो नाउ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ऑनर, रिटायरमेंट, डिसऑनर, रिन्यूअल एंड इंसॉल्वेंसी। पांच अलग अलग सिचुएशंस में वो अपने को एंटर होना है। पहला सिचुएशन ऑनर ऑफ बिल सीरियल नंबर 4। ऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, ऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, what is honor of bill on due date, it is payment of bill on due date पे Roy ने payment कर दिया, तो basically he is honoring his commitment which he had given when he accepted the bill। उसने क्या लिखा था जब bill उसको भेजा था, draft भेजा था, तो accepted ना, वो तो he had agreed कि he will pay the amount on due date, so if he is paying the bill on due date he is honoring his commitment of payment, so it is called as honor of bill। अब उसमें वापस चार पॉसिबिलिटीज, ए रिटेन्ड बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, अब मेरे को बताओ बेटा अगर बिल रिटेन्ड था तो किसके पास था, ड्रॉवर के पास, खुद के पास ही था, तो बिल रिसीवेबल बिल के ही है उसके बुक्स में, क्यों तो रिटेनिंग की तो कोई एंट्री थी नहीं, पैसा मिल गया उसको ड्रॉय से, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ही रिसीव्ड द अमाउंट अगेंस्ट द बिल। ड्रॉई के लिए बहुत आसान काम है, ड्रॉई के लिए तो उसकी लाइबिलिटी पे हो रही है, कोई भी सिचुएशन मान दो कोई भी, उसके लिए तो लाइबिलिटी पे हो रही है, ऑनर हो रहा है, तो क्या एंट्री हम नॉर्मल में पास करते कोई लाइबिलिटी पे करने पे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, सो विच लाइबिलिटी इज इट, तो ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बराबर,
बी बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बिल बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए, तो तुम जाओ ना थ्री बी देखो ऊपर क्या एंट करके रखी थी तुमने ड्रॉवर के बुक्स में, थ्री बी बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था ना, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था तब उसके अगेंस्ट में पैसे आ गए, तो बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करना पड़ेगा। बोलो एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं कर सकता बेटा, बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी क्रेडिटेड है। कहां है अभी डेबिट बैलेंस? बैंक फॉर कलेक्शन। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई? सेम सेम, कोई चेंज नहीं, एज इट इज कॉपी करो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आया? देन बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। इफ द बिल इज डिस्काउंटेड, ओनरशिप इज विथ हुम? बैंक। और बैंक ने ऑलरेडी ड्रॉवर को पैसा दे दिया ना, तो ड्रॉवर का तो हो चुका है ऑलरेडी हिसाब। अभी बैंक गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पेमेंट किया बैंक को, बैंक खुद के भी यहां पे कलेक्ट करने गया था ना, अब ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी क्या? देखो बेटा, डिस्काउंटेड बिल जब ऑनर हो रहा है, ऑनर पे हो रहा है डिस्काउंटेड बिल, तो इट विल बी अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड ड्रॉई, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी क्या उसकी? नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री नहीं होगी। ड्रॉई के बुक्स में अपना रूटीन एंट्री है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बराबर। लास्ट सिचुएशन डी, एंडोर्स्ड बिल। एंडोर्स्ड बिल का ओनर कौन? एंडोर्सी। तो ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास कौन जाएगा? एंडोर्सी। ड्रॉई किसको पे करेगा? एंडोर्सी को। तो ये ट्रांजेक्शन उन दोनों के बीच का हो गया ना। अगेन ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी क्या इसकी? नो एंट्री। ड्रॉई के बुक्स में सेम, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। आया ये एंट्री समझे सबको? यस। आज के लेक्चर का तो टाइम खत्म हो रहा है, तो बचे हुए एंट्रीज इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे। कल लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी एकोमोडेशन बिल है, और एकोमोडेशन बिल भी टाइम कंज्यूमिंग है, और वो कंसेप्ट भी थोड़ा समझने में थोड़ा टफ जाता है। तो कल अपन ये एंट्रीज कंप्लीट करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का डिफरेंस समझेंगे, वो भी तो बाकी अभी वो समझेंगे, फिर अपन एकोमोडेशन बिल में जाएंगे। एकोमोडेशन बिल और ये जो अपन अभी सीख रहे ट्रेड बिल, इन दोनों का डिफरेंस भी कंपेयर करेंगे, देन वी विल हैव द प्रैक्टिस। ठीक है, आज जो सिखाया ये पूरा अच्छे से रिवाइज करो आज। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।